नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी के निर्देश के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा सहित गोरखनाथ मंदिर ने प्रस्तुत किया उदाहरण। जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा परिसर से हटाया गया लाउडस्पीकर, वहीं गोरखनाथ मंदिर में भी भजन का प्रसारण हुआ धीमा। सभी धर्मों के लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश का किया स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 3 मोबाइल घटना में प्रयुक्त केटीएम बाइक किया बरामद। सीओ कैंट ने किया खुलासा। चौरी चौरा उपद्रव की घटना में शामिल फरार अभियुक्तों का पुलिस ने चौरी चौरा थाने के गेट पर पोस्टर किया चस्पा। एसपी नॉर्थ ने कहा, फरार अभियुक्तों के घरों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। मोबाइल लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। भेजा जेल। साइबर अपराध के रोकथाम पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जिले के सभी थानों पर साइबर सेल का किया गया है गठन। रेंज स्तर पर खोला गया है साइबर थाना। किसी भी तरह की साइबर अपराध से शिकायत होने पर साइबर थाने पर कर सकते हैं संपर्क। समस्या का किया जाएगा समाधान। दिल्ली एनसीआर के सटे जिलों में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में जारी हुआ अलर्ट। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सभी निगरानी समितियों को सतर्क कर क्रियाशील रहने को किया गया है निर्देशित। सभी पुलिस अधिकारियों ने पुलिस ऑफिस में सुना फरियादियों का फरियाद। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, शासन के निर्देश अनुसार सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में सुन रहे हैं फरियादियों की फरियाद। किया जा रहा है समस्याओं का निस्तारण। और जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी से जिला अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी डॉक्टर डी के सुमन ने कहा, फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े से शरीर को ढककर बहुत जरूरी हो तभी निकले घर से बाहर। अब खबरें विस्तार से। देश में सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि से लाउड स्पीकर हटा लिया गया। यही नहीं, गोरखनाथ मंदिर परिसर के लाउड स्पीकर की आवाज भी धीमी कर दी गई है। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश के बाद ली गई जिसमें उन्होंने कहा, सभी धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थलों में शांति बनाए रखने के लिए बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और ऐसे आयोजनों व स्थलों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्यों में त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह निर्देश अति महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है, जिसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए। इस निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में मस्जिद, मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों में इस निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आने वाले दिनों में कई पर्व और धार्मिक आयोजन होने हैं और इस परिप्रेक्ष्य में राज्य पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। ताजे निर्देशों के जारी होने के बाद कई जिलों में धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने स्वयं ही लाउडस्पीकर या तो हटा लिए हैं या उनकी आवाज़ धीमी कर ली है। इसी क्रम में एक बड़ा प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर प्रबंधन ने जन्म स्थान पर लगे लाउडस्पीकर बंद कर दिए हैं।
इस मंदिर परिसर में स्थित भागवत भवन के शिखर पर लाउड स्पीकर लगे हैं। यहां हर दिन करीब 1 से 1.5 घंटे तक मंगलाचरण और विष्णु सहस्र नाम बजाए जाते थे। इससे ही दिन की शुरुआत होती थी, अब इसे रोक दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर में भी मंदिर परिसर में लगे लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई है। साथ ही उन्हें बाजार, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की ओर से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, नोएडा व अन्य शहरों में भी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर या तो हटा लिए गए हैं या उनकी आवाज़ इतनी धीमी कर दी गई है कि वह परिसर के बाहर सुनाई ना दे। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके यह स्पष्ट कहा कि कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। इस निर्देश का सभी धर्मों और आस्था का पालन करने वाले लोगों ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार बना हुआ नियंत्रण प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार शांति व्यवस्था को भंग करने के किसी भी प्रकार के प्रयास करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री की ओर से संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि गाइडलाइन का पालन न करवाने पर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित कुछ जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है और प्रदेश में जहां कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की कमी पाई गई वहां के अधिकारी अपने प्लांट को ठीक करवा लें। जो लक्ष्य मिला था भारत सरकार के द्वारा उसमें 14,795 ऑक्सीजन प्लांट ही स्थापित हुआ है, बाकी 2,040 ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करना है। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी 75 जनपदों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। इसलिए हम सभी का प्रयास है कि प्रदेश को स्वास्थ्य में उत्तम प्रदेश बनाना है। यदि अस्पताल में कोई मरीज अपना इलाज कराने आ जाए तो उसका इलाज करके ही मरीज को घर भेजना है। सभी अस्पतालों में अधिकारी मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया है। उन्होंने कोविड की चौथी लहर पर बोलते हुए कहा कि सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए और जिला अस्पताल में जो भी मरीज आ रहे हैं उनको सभी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देवरिया विशेष ध्यान दे इस पे, ठीक है? भदोही वाले सुन रहे भैया,
अच्छा बहू से आवाज आ रही बहू जी सर प्रणाम सर अच्छा हमीरपुर यस सर ठीक है और झाड़ियों के कटान पर विशेष ध्यान दें ठीक है कोरोना होने वाले मरीजों की संख्या पर और यदि कहीं शिकायत आती तो तत्काल उसके लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है कोई लापरवाही स्तर पे ना हो और इन तीन जगहों के अतिरिक्त सभी जगह पर सतर्क रहें भी कराने के इंतजाम करें अभी सार्वजनिक स्थानों पर एनसीआर और लखनऊ में मास्क अनिवार्य कर दिया गया कोविड के लिए कह रहा हूँ कोविड के लिए इनको अपना माइक ऑफ कर लीजिए 28/3/2022 को सभी जनपदों में मार्च ड्रिल का आयोजन किया गया था इस मार्च ड्रिल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में जिला स्थानों पर प्रायोरिटी और फ्लो में कमी पाई गई उन स्थानों पर वेतन से संपर्क कर उन्हें यथाशीघ्र ठीक करा दिया गया जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट में कमी पाई गई है जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट में प्योरिटी और फ्लो में कमी पाई गई है वो लोग ठीक करा ले अपना ठीक है भैया पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में इसको आप लोग अभी भी चेक कर लीजिएगा अगर उस समय जो आपको डेटा दिया गया हो तो ठीक है अभी चेक कर लीजिए आपकी प्योरिटी क्या है फ्लो क्या है उसको चेक कर लीजिए सर जी बता रहे भारत सरकार द्वारा मिले थे द्वारा मिले गए थे इनमें से मात्र 14,795 ही स्थापित कर पाए हैं हम लोग शेष 2,040 शीघ्र स्थापित कर रहे हैं हम लोग तत्काल शुरू कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के अलावा वेंटिलेटर्स का भी ठीक से रख रखाव करें उनको चालू हालत में रखें ठीक है ना आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं इस अवसर पर सभी 75 जनपदों में बीएसएल टूल प्रयोगशालाएं डायलिसिस मंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है यह सुनिश्चित किया जाए कि इन मेलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि बड़ी संख्या में लोग इसका लेने की आवश्यकता है यही अनुरोध है कि हम सब मिलकर के अपने प्रदेश को एक बेहतर स्वास्थ्य के मामले में हम सबको बनाना है किसी को भी निराश नहीं करना है और अस्पताल परिसर में यदि कोई आ जाए मरीज तो उसे हमें संतुष्ट करके ही उसके घर भेजना है कहीं ये ना लगे कि उसको उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार है जिससे वो दुखी होकर के जाए अस्पताल परिसर से बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने हम पूरे 75 जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक सामूहिक बैठक ली और पारिवारिक सदस्य की हैसियत से उन्होंने सब लोगों को निर्देशित किया कि जैसा कि कोविड बगल के पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहा है तो कोविड के लिए हम लोगों को किया कि अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं सजग सुत कर लें और दूसरा ये किया कि मरीजों के साथ जो भी चिकित्सालय में मरीज आ रहे हैं उनको समस्त प्रकार की जो भी सरकार की सुविधाएँ दी जा रही हैं उनको यथावत उनको उपलब्ध कराई जाए कैन पुलिस ने दो मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में सीओ कैन श्याम देवबिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को आरटीओ मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान राम आशीष निषाद पुत्र दशरथ निषाद निवासी तकिया कुसमही थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दूसरा नितेश पुत्र बसु निवासी रामनगर करजहा धोबी टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है जिनके पास से लूट का 3 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त केटीएम बाइक बरामद किया गया है सीओ कैंट ने बताया कि गोरखपुर शहर क्षेत्र में केटीएम बाइक सवार लड़कों द्वारा राह चलते लोगों से मोबाइल व रुपए लूट कर भाग जाने की लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था
थाना कैंट पुलिस द्वारा दिनांक 21 अप्रैल को केटीएम बाइक सवार गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर शहर क्षेत्र में 8 अप्रैल को केटीएम बाइक सवार लड़कों द्वारा देवरिया बाईपास से एक मोबाइल लूट लिया गया था। दिनांक 23 फरवरी को कुसमेही जंगल में वन विभाग चौकी के पास से एक बाइक सवार लड़की और लड़के को रोककर मारपीट कर उसका मोबाइल व पैसा लूटा गया एवं 4 फरवरी को केटीएम बाइक से माड़ापार कतरहवा टोला के पास से भी एक मोबाइल को लूटा गया था, जिसके संबंध में कोराबाड़ थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। सीओ कैंट द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अपने अन्य दो साथियों चंदन उर्फ चंदू एवं रवि तेजा के साथ मिलकर राह चलते लोगों से मोबाइल को लूट लेते हैं। लूटते समय आपत्ति करने पर हम चारों लोग मारपीट कर उनसे मोबाइल व पैसे को लूट लेते हैं तथा लूटे गए मोबाइल को राह चलते आदमियों राहगीरों को बेच देते हैं और प्राप्त पैसे को आपस में बांट लेते हैं, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता है। आज हम लोग लूट की मोबाइल को ग्राहक की तलाश कर बेचने के फिराक में निकले थे कि तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों के अन्य दो साथी चंदर उर्फ चंदू एवं रवि तेजा, जिनका गोरखपुर शहर क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट की घटनाओं में शामिल होना अभियुक्त गढ़ो द्वारा बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पर टीम गठित किया गया है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक विजय कुमार गौड़, सुशील कुमार यादव, कांस्टेबल शरद यादव, अखिलेश कुमार, राहुल कन्नौजिया शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैन श्याम देव बिंद ने कहा, इसमें नहीं लिखा होगा वादी के नाम पर। कैंट पुलिस द्वारा आज सुबह दो शातिर मोबाइल लुटेरों को पकड़ा गया है, जो थाना खोराबार के रहने वाले हैं। ये इनका मुख्य पेशा मोबाइल छीनना ही है। राहगीरों से मोबाइल छीनकर भाग जाते थे और उस मोबाइल को फिर बेचते थे। इनके पास से लूट के 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और इसके संबंध में 3 मुकदमे थाना खोराबार पर पंजीकृत हैं। इनके पास से 3 मोबाइल के अतिरिक्त एक बाइक भी बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास पहले से तो इनका अभी पता नहीं चला है, उसको अन्य थानों पर पता लगाया जा रहा है। जो 3 मुकदमे हैं खोराबार में पंजीकृत हैं मोबाइल लूट के। किस तरह से ये चुनौती करते हो, अंजाम कैसे देते हो? ये जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये बाइक से आते थे पीछे से और मोबाइल छीन कर फरार हो जाते थे। ये देखिए, गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर हुई, टेक्नोलॉजी से हुई, कैसे हुई वो हम अपनी टेक्निक नहीं बताएंगे। ठीक है, कैसे हम गिरफ्तार करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, अपने मुखबिर के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि 3 मोबाइल अभी तक बरामद हुए हैं। घटना इन्होंने और बताई है, उसके बारे में और पता लगाया जा रहा है। हाँ, मोबाइल बेचते थे, मोबाइल बेचकर उससे पैसे कमाते थे, पैसे आपस में बांटते थे, खाते पीते थे पैसों से। अब अभी तक तो पढ़ाई के विषय में जानकारी नहीं हुई है, इनका काम लूटपाट ही है। चौरी चौरा उपद्रव की घटना में शामिल अभियुक्तों का थाने के गेट पर पुलिस ने पोस्टर चस्पा किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि चौरी चौरा की घटना में शामिल अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है, जो कि उपद्रव में भाग लिए थे, जिनका वीडियो व फोटो मिलान कर लिया गया है।
उनकी सूची पुलिस ने जारी की है, क्योंकि वह लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। अब उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभी तक इस मामले में कुल 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 2 अभियुक्त अदालत में सरेंडर किए हैं और बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अभियुक्त अपना घर छोड़कर फरार हैं, उनके घरों की कुर्की की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, उसमें जो लोग चिन्हित किए गए हैं चौरी चौरा उपद्रव में, जो सक्रिय रूप से उसमें भाग लिए थे उपद्रव में, और उनका वीडियो और उनका फोटो मिलान कर लिया गया है, उनकी सूची जारी की गई है। उनका अब NBW लिया जाएगा और कुर्की की कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही उनके गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 हाजिर अदालत हुए हैं, शेष गिरफ्तार हुए हैं। सभी पे लगातार दबिश चल रही है, सब भागे हुए हैं, इसीलिए अब कुर्की की कार्रवाई ज़्यादा शीघ्रता से की जाएगी। शाहपुर पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को कैंसर हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अनिल निषाद पुत्र विलास निषाद निवासी पचपेड़वा निकट राम जानकी नगर चौराहा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, दूसरा अमन कुमार गौतम पुत्र विनोद कुमार गौतम निवासी राम जानकी नगर चौराहा थाना गोरखनाथ के रूप में हुई है, जिनके पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक गौरव कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल चंदन कुमार चौहान, जितेंद्र कुमार, कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल उदय प्रताप सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ASP राहुल भाटी ने कहा, आज दिनांक 21 अप्रैल 2022 समय सुबह 6:30 बजे मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कैंसर हॉस्पिटल थाना शाहपुर के निकट 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास से तलाशी के दौरान 1 अदद लूट का मोबाइल, लूट में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल और 1 अदद नाजायज तमंचा बरामद हुआ है। इन व्यक्तियों की पहचान अनिल निषाद थाना गोरखनाथ एवं अमन कुमार गौतम निवासी थाना गोरखनाथ के रूप में हुई है। पिछले वर्ष हुई एक लूट की घटना में इन दोनों व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। CM योगी के निर्देश के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा सहित गोरखनाथ मंदिर ने प्रस्तुत किया उदाहरण, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा परिसर से हटाया गया लाउड स्पीकर, वहीं गोरखनाथ मंदिर में भी भजन का प्रसारण हुआ धीमा। सभी धर्मों के लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश का किया स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 3 मोबाइल घटना में प्रयुक्त KTM बाइक किया बरामद। CO कैंट ने किया खुलासा। चौरी
चौरी चौरा उपद्रव की घटना में शामिल फरार अभियुक्तों का पुलिस ने चौरी चौरा थाने के गेट पर पोस्टर किया चस्पा। एसपी नॉर्थ ने कहा, फरार अभियुक्तों के घरों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। मोबाइल लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। भेजा जेल। साइबर अपराध के रोकथाम पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जिले के सभी थानों पर साइबर सेल का किया गया है गठन। रेंज स्तर पर खोला गया है साइबर थाना। किसी भी तरह की साइबर अपराध से शिकायत होने पर साइबर थाने पर कर सकते हैं संपर्क, समस्या का किया जाएगा समाधान। दिल्ली एनसीआर के सटे जिलों में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में जारी हुआ अलर्ट। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सभी निगरानी समितियों को सतर्क कर क्रियाशील रहने को किया गया है निर्देशित। सभी पुलिस अधिकारियों ने पुलिस ऑफिस में सुना फरियादियों का फरियाद। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, शासन के निर्देश अनुसार सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में सुन रहे हैं फरियादियों की फरियाद, किया जा रहा है समस्याओं का निस्तारण। और जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी से जिला अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी डॉक्टर डी के सुमन ने कहा, फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े से शरीर को ढककर बहुत जरूरी हो तभी निकले घर से बाहर। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जनपद में हो रहे साइबर अपराध के रोकथाम पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि साइबर अपराध के रोकथाम के लिए जिले के सभी थानों पर साइबर सेल टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही जिले स्तर पर भी साइबर सेल टीम का गठन किया गया है और रेंज स्तर पर एक साइबर थाना भी खोला गया है जो कि साइबर अपराधों पर कार्य करता है। इसलिए किसी के भी साथ साइबर अपराध की शिकायत आती है तो अधिकारियों के साथ मिल करके शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है और उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, सर देख रहे हैं लगातार साइबर अपराध बढ़ा, इसके लिए सर क्या करना जी? प्रत्येक थाने पर साइबर सेल टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर भी साइबर सेल का गठन किया गया है और रेंज स्तर पर एक साइबर थाना भी खोला गया है। जहां कहीं साइबर संबंधित अपराध की शिकायतें आती है, अधिकारीगण से मिलकर थाने पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। कोरोना की चौथी लहर में दिल्ली एनसीआर के सटे हुए जिलों में कोरोना बढ़ रहा है, जिससे शासन ने उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में सभी को सतर्क कर दिया गया है। जितनी भी निगरानी समितियां हैं उनको क्रियाशील रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। दस्तक अभियान, घर घर जाकर जो भी खांसी सर्दी जुकाम वाले मरीज हैं उनको चिन्हित करके जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सभी जगहों पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो 45 कोविड टेस्ट सेंटर हैं उनको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी कोविड की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी आती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद में 3000 बेड की व्यवस्था, 400 से ज़्यादा वेंटिलेटर, 17 ऑक्सीजन प्लांट तथा कोविड से रिलेटिव आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर जनपद की जनता मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण में साथ देगी तो जनपद में कोई लहर नहीं आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सर चौथी लहर को देखते हुए कुछ जिलों में अलर्ट कर दिया गया, जिले में क्या? देखिए चौथी लहर को जो का कि प्रभाव आप लोग दिल्ली देख रहे हैं कि जो दिल्ली से सटे हुए जनपद हैं वहाँ पर जो है कोविड का प्रभाव कुछ बढ़ रहा है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में भी हमने लोगों को सजग सतर्क कर दिया है। हमारी जितनी निगरानी समितियां थी उनको क्रियाशील कर दिया गया, उनसे निर्देशित किया गया है। दस्तक अभियान में गांव-गांव घर जा रही हैं, जहां पर भी उनको कोई भी जो है ILI या सारी या जुकाम बुखार के मरीज मिल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनकी जांच करावें तथा उनको जो है कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो भी हमारे एयरपोर्ट हैं या हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है और जो हमारे अन्य चिकित्सालय हैं या जो हमारे 45 कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको भी सुदृढ़ किया जा रहा है और सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं उनको कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उनकी कोविड की जांच कराई जाए और उनके परिजनों की कोविड की जांच कराई जाए। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है और सबको कोविड जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनको कोविड टीकाकरण कराने की सलाह दी जा रही है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारा है जहाँ पे हम गांव में जो हमारा जैसा कि जानते हैं प्रत्येक रविवार को मेला लग रहा है, आज जो है हमारे समस्त ब्लॉकों पे जैसे जो मेले लग रहे हैं वहाँ पर लोगों को भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज करें तथा अपने का टीकाकरण कराएं। इसी के साथ साथ नगर निगम से भी अनुरोध किया गया है, जो नगर निगम के प्रचार वाहन होते हैं उनके द्वारा भी जगह जगह कैंप कर करके लोगों को टीकाकरण कोविड प्रोटोकॉल के से प्रेरित किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग निश्चित रूप से इस संभावित चौथी लहर को निष्प्रभावी करने में सफल रहे। सर कोविड जैसी आपदा आती है तो किस तरह की व्यवस्था की जाएगी कोविड में? देखिए कोविड के अगर कोई आपदा तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से अपनी तैयारियों पर मुझे पूरा यकीन है। कोविड के लिए मैं एक परीक्षार्थी हूँ और परीक्षार्थी की हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ा है और जनपद में मैंने लगभग 3000 बेड्स की व्यवस्था है हमारे पास और हमारे पास लगभग 400 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं
बाईपैप हैं और HFNCs हैं, 17 ऑक्सीजन प्लांट हैं। कोविड से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक औषधियां हैं सबका मेरे पास प्रचुर मात्रा में भंडारण है। इनके अलावा जितने भी लॉजिस्टिक्स होते हैं उनका हमारे पास भंडारण है। हम अपने चिकित्सकों का और पैरामेडिकल का प्रत्येक माह उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनकी मॉक ड्रिल करा रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने उपकरणों की क्रियाशीलता को हम निरंतर चेक करते रहते हैं। तो मैं अपनी तैयारी पर पूरा यकीन है, मुझे दावे के साथ कह सकता हूँ गोरखपुर की जनता अगर चार चीज़ों पर अडिग रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और टीकाकरण पर अडिग रह करके हमारा साथ देगी तो निश्चित रूप से गोरखपुर में कोई लहर अब नहीं आएगी। SSP डॉक्टर विपिन ताडा सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को पुलिस ऑफिस में फरियादियों के फरियाद को सुना, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि शासन के निर्देश पर सुबह 10 बजे से पहले सभी अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित होकर जन सुनवाई के कार्य को कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारी क्षेत्र में भी पुलिस चौपाल में जाकर जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। पुलिस चौपाल व थाना समाधान दिवस में जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं और वार के दौरान कोई ऐसा प्रकरण आता है जहां पर वादी से बात करना उचित रहता है, वादी से भी बात किया जाता है और प्रकरण के गंभीरता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि IGRS के द्वारा लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, इसलिए सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या कार्रवाई में कमी रह गई है और जो भी न्यायसंगत कार्रवाई होती है वह किया जाता है। इस अवसर पर SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, नहीं हम नहीं करेंगे।
जी, जन सुनवाई हेतु सभी अधिकारी 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में आकर जन सुनवाई का कार्य शुरू कर देते हैं। साथ ही अधिकारीगण फील्ड में भी जाते हैं। पुलिस चौपाल के दौरान, वादी संवाद दिवस के दौरान थानों पर अधिकारियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा जनता की शिकायतें सुनी जाती है। इसके अलावा ओआर के दौरान यदि कोई प्रकरण सामने आता है ऑर्डरली रूम के दौरान, जहां पर कि वादी से बात करना आवश्यक है, तो वादी से और आईओ से आमने सामने बात करके प्रकरण की गंभीरता के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उसके अलावा जो IGRS है, उसमें जो शिकायतकर्ता बार बार शिकायत कर रहे हैं या असंतुष्ट हैं, उनको भी पुलिस लाइन में मीटिंग करके सभी अधिकारियों को बुलाकर वहां जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या कार्यवाही में कमी रह गई, और जो भी नियमानुसार और न्यायसंगत कार्यवाही संभव है वो की जाती है। और इस प्रकार जन सुनवाई पर प्रत्येक स्तर पर पुलिस द्वारा गंभीरता बरती जा रही है। जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी से जिला अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या पर बोलते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन MD मेडिसिन डॉक्टर DK सुमन ने कहा कि जिला अस्पताल में हर बीमारी के मरीज आ रहे हैं। डायरिया, खांसी, सांस तथा धूप लगने वाले मरीज भी आ रहे हैं। बाकी रूटीन वाले मरीज भी आते रहते हैं और बताया कि तेज धूप गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने धूप से बचाव के लिए लोगों से अपील किया कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और बाहर निकलते समय फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े से शरीर को ढक करके बाहर निकले, पानी पीने में कमी ना करें और फल अधिक मात्रा में सेवन करें। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में सादा भोजन लेना चाहिए, तेल मसाले वाले भोजन को बिल्कुल ना लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन MD मेडिसिन डॉक्टर BK सुमन ने कहा, के समय जिला अस्पताल करो। दिन मौसम में बदलाव हो रहा है, तेज धूप हो रही है, किस तरह के मरीज आ रहे हैं? हर तरह के मरीज आ रहे हैं, खास करके डायरिया के भी मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं, उल्टी दस्त वाले मरीज हैं, खांसी और सांस फूलना उसके मरीज आ रहे हैं। कभी कभी जो मरीज आ रहे हैं जिनको लू लग जा रहा है, हीट स्ट्रोक, जो लापरवाही कर रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, तो उस तरह के भी मरीज आ रहे हैं। और जो रूटीन में जो मरीज आते हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक, ये सब मरीज तो रूटीन आते रहते हैं, और मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। क्या बचाव, क्या घरेलू बचाव? यही है कि भाई, पहले तो कि जो परिवर्तन, जो मौसम है उसके हिसाब से आपको एडप्ट करना पड़ेगा। कड़ी धूप है, बाहर ना निकलिए, धूप
है ना, और यथासंभव हो सके तो आप घर में बने रहें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकले तो पूरे शरीर को कॉटन कपड़ा से ढक के रखिए, छाता लेके चलिए, पानी खूब पीजिए, पानी में कॉटन पीजिए, यह तत्व जहाँ तक के खुली हुई चीज़ें या पानी जहाँ तक न लें जिससे कि आपको बीमारी का सामना करना पड़ सके, और यथासंभव हो तो अपने घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, लेकिन अपने को सुरक्षित रख के निकलें। खाने की बात करें तो क्या खाना चाहिए? खाने पीने में जितना सादा भोजन अभी लें उतना ठीक है, गरिष्ठ भोजन तेल मसाले चीज़ें ये सब छनी तली चीज़ें को परहेज करें, इस मौसम में सादा भोजन ज़्यादा बेहतर है, श्रेष्ठ है, हेल्दी है। फल वगैरह का सेवन करें, फल का जूस वगैरह घर पर निकाल के लें, ये जरूरी है। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी के निर्देश के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा सहित गोरखनाथ मंदिर ने प्रस्तुत किया उदाहरण, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा परिसर से हटाया गया लाउडस्पीकर, वहीं गोरखनाथ मंदिर में भी भजन का प्रसारण हुआ धीमा, सभी धर्मों के लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश का किया स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ की बैठक, कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट का 3 मोबाइल घटना में प्रयुक्त केटीएम बाइक किया बरामद, सीओ कैंट ने किया खुलासा। चौरी चौरा उपद्रव की घटना में शामिल फरार अभियुक्तों का पुलिस ने चौरी चौरा थाने के गेट पर पोस्टर किया चस्पा, एसपी नॉर्थ ने कहा फरार अभियुक्तों के घरों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। मोबाइल लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। साइबर अपराध के रोकथाम पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जिले के सभी थानों पर साइबर सेल का किया गया है गठन, रेंज स्तर पर खोला गया है साइबर थाना, किसी भी तरह की साइबर अपराध से शिकायत होने पर साइबर थाने पर कर सकते हैं संपर्क, समस्या का किया जाएगा समाधान। दिल्ली एनसीआर के सटे जिलों में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में जारी हुआ अलर्ट, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा सभी निगरानी समितियों को सतर्क कर क्रियाशील रहने को किया गया है निर्देशित। सभी पुलिस अधिकारियों ने पुलिस ऑफिस में सुना फरियादियों का फरियाद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा शासन के निर्देश अनुसार सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में सुन रहे हैं फरियादियों की फरियाद, किया जा रहा है समस्याओं का निस्तारण। और जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी से जिला अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या, वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी डॉक्टर डी के सुमन ने कहा फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े से शरीर को ढककर बहुत जरूरी हो तभी निकले घर से बाहर। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।